ऊना जिला मुख्यालय के डीआरडीए सभागार में शनिवार को एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान की अध्यक्षता में कूड़े के प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध के बावजूद भारी मात्रा में पॉलीथीन कचरा पाए जाने को लेकर चिंता जताई गई। वहीं इस ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को भी कड़े निर्देश जारी किए गए। आज जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो है बैठक यहाँ पे डीआरडीए हॉल में की जा रही है, जिसमें कि मेन एजेंडा जो है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, जो किस तरह से पूरे ज़िले भर में हमारे एमसीज अर्बन बॉडीज़ और जितने भी रूरल बॉडीज़ के थ्रू वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट का प्रॉपर निष्पादन किस तरह से होना है, उस पर जो है विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है और अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जितना भी सॉलिड वेस्ट जो हमारा पड़ा है उसके निष्पादन के लिए और उसका किस तरह से उसका बेहतर रूप से उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, इस पर चर्चा की। ऊना में हमने एक जो है ओडब्ल्यूसी जो है ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर है उसको इंस्टॉल करवाया है और लगभग आने वाले एक माह में उसको फुली ऑपरेशन करके जो है जो जितना भी वेट वेस्ट हमारा कलेक्ट होता है ऊना में उससे हम जो है ऑर्गेनिक खाद बनाएंगे। और सिमिलर लाइंस पे महतपुर में भी ऑलरेडी कार्य किए जा रहे हैं। बिल्कुल, हम सभी इस चीज़ के लिए बड़े प्रतिबद्ध है कि किस तरह से ऊना को जो है स्वच्छ ऊना की तरफ हम लेके जाएं और पंचायत स्तर पर साफ़ सफाई जो और वेस्ट की प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर सकें।